सर्दियों में बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उस वजह से मेहंदी लगाने के लिए हम लोग बहुत बार सोचते हैं, पर अगर इस तरीके से मेहंदी लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो बालों का हेयर फॉल है वो रिड्यूस होंगे, नया बाल उगाने में भी हेल्प करेंगे, साथ में आपका समय से पहले अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो रोकने में मदद करेंगे, और साथ में आपका सफ़ेद बाल काला भी करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सबसे पहले एक बाउल में लेना है 3 पीस सिकाकाय, साथ में आपको ऐड करना है 3 पीस रीठा, पर रीठा और सिकाकाय के अंदर में जो बीज रहते हैं उसको निकाल कर आपको लेना है, साथ में आपको ऐड करना है 4-5 टुकड़े आंवला, उसका भी बीज निकालना है। अब उसको ग्राइंडर में डालकर एक फाइन पाउडर बनाना है। सिकाकाय बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं और आपको सर्दियों में जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म करते हैं, साथ में बालों का ग्रोथ बढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छा क्लींजर का काम करते हैं। उसके बाद लेना है एक लोहे का बाउल, आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करना है आपको 3 स्पून मेहंदी, मैं पतंजलि ले रही हूँ, आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीठा सिकाकाय का जो पाउडर बनाकर रखी थी मैं उसको ऐड कर रही हूँ 2 स्पून, उसके साथ ऐड करना है 2 स्पून भिंगराज पाउडर, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। उसके साथ आपको 2 स्पून करी पत्ता ऐड करना है। अभी सारी इंग्रेडिएंट को 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करना है फिल्टर का पानी, पानी धीरे धीरे ऐड करना है, ज़्यादा भी गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, उसी कंसिस्टेंसी में पेस्ट को बनाना है। यूज़ करने से बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं और डैंड्रफ रिड्यूस करते हैं। मेहंदी में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं जो प्रीमैच्योर ग्रे हेयर है उसको रिड्यूस करते हैं। इस हेयर मास्क में मैं और एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, वो है करी लीव्स। करी लीव्स एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहते हैं जो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके साथ और एक इंग्रेडिएंट यूज़ करें, वो है भिंगराज पाउडर, जो आपका बेजान और ड्राई हेयर को नॉरिश बनाएंगे, साथ में आपका जो हेयर ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे। उसके साथ ऐड करेंगे 1 स्पून तिल का तेल। तिल तेल का इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट है अगर आपका बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहा है तो उसको रोकने में आपको मदद करेंगे, साथ में आपका जो स्काल्प का ड्राइनेस है उसको भी दूर करने में हेल्प करेंगे। अभी स्पून से अच्छे से इस हेयर मास्क को चलाना है ताकि एक फाइन कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट मिल जाए। अभी ऐड करना है उसमें एक अंडा। अगर आप अंडे यूज़ नहीं करते हैं तो उसके जगह आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, उसको 1 स्पून ऐड करना है। अंडे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अंडे में प्राकृतिक केराटिन के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है, जिसमें फ्रिजी बालों की जो समस्या है वो कम होती है। पूरी रात ढककर रखने के बाद आप देख सकते हैं साइड में काला जैसा एक पोर्शन बन गया है, यह मतलब मेहंदी ही है पर उसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि आयरन का बाउल में रखा हुआ था और इसमें जो कलर है वो बालों में लगाने से आपका जो सफ़ेद बाल है ये काला होंगे और आपका प्रीमैच्योर ग्रे हेयर आने में भी आपको रोकेंगे। अभी बालों में लगाना है। बालों में लगाने के लिए आप के बाल साफ़ होना चाहिए, यानी तेल या केमिकल कुछ भी लगा हुआ नहीं चाहिए। उसके बाद आपको ब्रश से पूरे बालों में लगाना है। अगर आप हाथों से लगाने से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। ऐसे ही लगाकर आपको 1 घंटा रखना है। 1 घंटे बालों में लगाने के बाद अगर बाल सूख जाते हैं तो आपको पानी से बालों को धोना है। 1 दिन के बाद शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं और वीकली ये हेयर मास्क को आपको 1 बार लगाना है और 3 महीना यूज़ करना है। और ऐसे ही हेयर मास्क यूज़ करने से आपका जो सर्दियों में बाल ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं वो ख़त्म होंगे। और ऐसा ही हेयर रिलेटेड मज़ेदार वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।